ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। तुम्हारे जो आंतरिक भ्रम है और द्वंद्व है, मूलतः यहाँ से निकल रहे हैं कि तुम्हें स्पष्टता नहीं है कि तुम हो कौन। हम जो होते हैं उससे हमारे कर्तव्य निर्धारित हो जाते हैं। यही तो तुम्हें नहीं स्पष्ट है ना कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना उचित है क्या करना नहीं उचित है। हाँ, रुकाव माने द्वंद्व। एक तरफ को मन चलता है, जिधर को चलता है उसके विपरीत भी चलता है, द्वंद्व है भीतर। इसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ता। हम नहीं जान रहे कि हमारे लिए क्या करणीय है, मेरा कर्तव्य क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा। ना, जो जान गया कि ठीक क्या है उसको हेजिटेशन नहीं होता। एक बार स्पष्ट हो जाए कि यही ठीक है, उसके बाद हिचक नहीं हो सकती। हिचक अगर हो रही है तो इसका मतलब अभी द्वंद्व है, अभी अस्पष्टता है, अभी एक नहीं दो तीन बातें ठीक लग रही हैं और उन दो तीन बातों में परस्पर विरोध है, तब भीतर हिचक होती है, द्वंद्व होता है, रुकाव होते हैं। कर्तव्य साफ पता हो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कर्ता कौन है, मैं कौन हूँ। मुझे अपनी पहचान साफ पता हो तो मुझे अपने कर्म का भी सहज बोध हो जाएगा। मुझे अगर पता ही हो कि मैं ठीक ठीक कौन हूँ तो मेरे लिए सम्यक कर्म क्या है, ये भी मुझे तत्काल पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए वो मेरे होने से स्वतः निर्धारित हो जाता है। अगर एक बेटी हो तुम तो फिर एक ही कर्तव्य है तुम्हारा, मां की इच्छा का पालन करो, फिर कोई हिचक होनी ही नहीं चाहिए। छात्रा हो तो एक ही कर्तव्य है, शिक्षक की इच्छा का पालन करो। इसी तरह पचासों पहचानें हो सकती हैं तुम्हारी, जो भी पहचान तुम पकड़ लोगी वो तुम्हारा कर्तव्य साफ साफ निर्धारित कर देगी। बात यह है कि
कौन सी पहचान तुम्हें पकड़नी चाहिए, कौन सी असली है, उस पहचान पर उंगली रखो और उसी पहचान के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कर लो। डर किसको आता है, किसको, कौन हो तुम? डर भी किसी पहचान को ही आता है। किसको डर आ रहा है? जो तुम्हारी पहचान होगी उसे उसी अनुसार डर आएगा। डर भी न शून्य को आता है ना आत्मा को आता है। शून्य को आ नहीं सकता क्योंकि शून्य कुछ है ही नहीं, तो डरेगा कैसे? आत्मा को इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आत्मा पूर्ण है, तो डरे किस बात से लगेगा उसे? डर भी अहम को आता है, सारी पहचानें अहम की होती हैं। तो क्या पहचान पकड़ रखी है तुमने, तदनुसार तुम्हें डर लग जाएगा। सबको क्या एक से डर लगते हैं? सबको अलग अलग डर क्यों लगते हैं? क्योंकि सबकी पहचान अलग अलग होती है, जिसकी जो पहचान उसका वैसा डर। तो जब तुम कहती हो मुझे डर लगता है, माने तुमने कोई पहचान पकड़ी है उसे ही डर लगता है। जो डर तुम्हें लगता है वो क्या इनको भी लगता है? इनको भी लगता है। कई बार तो एक ही घटना घट रही हो तो भी उससे संबंधित डर अलग अलग होते हैं। एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई पेड़ से टकरा के, किसी की पहचान ये है कि वो पेड़ प्रेमी है, तो उसे क्या डर लगेगा? पेड़ को क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी को क्या डर लगेगा? समझ में आ रही है बात? एक ही घटना से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के डर लगते हैं। गाड़ी में तुम्हारे दोस्त बैठे थे तो तुम्हें एक तरह का डर लगेगा, गाड़ी में तुम्हारे दुश्मन बैठे थे तुम्हें दूसरी तरह का डर लगेगा। गाड़ी चोरी की थी फिर तो पता नहीं कौन सा डर लगेगा। क्या पहचान पकड़ रखी है, कौन हो तुम? और एक नहीं, हम चार पांच तरह की, रंग रंग की, भांति भांति की पहचानें पकड़ते हैं और उनका एक अद्भुत मिश्रण बनाते हैं जिसमें हमें ही नहीं पता चलता कि हम हैं कौन। कि जैसे तुमसे कोई कहे कि अपना पहचान पत्र दिखाओ, तो तुम एक दिखाओ जिसमें लिखा है टॉमी शर्मा, एक दिखाओ जिसमें किसी पशु की तस्वीर बनी हुई है, एक दिखाओ जिसमें लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, और इस तरह के तुमने पांच आधार कार्ड दिखा दिए उसको। तो हमें ही नहीं पता हम कौन हैं, हम तुम्हें क्या बताएं, क्या हमारा नाम क्या पता? कभी लगता है ब्रह्म है, कभी लगता है गधे हैं। तो सब हम ले करके चलते हैं। तुम हो कौन? अभी बेंगलोर में विश्रांति थी तो उनको मैंने कहा 3 दिन तक एक चीज रटो बस, मैं अतृप्त चेतना हूं। यह सबसे उपयोगी पहचान है तुम्हारे लिए। इसके आधार पर अब जो तुम कर्म करोगे, अब तुम्हारा जो कर्तव्य निर्धारित होगा वो तुम्हारे लिए भला होगा। अपनी बाकी सब पहचानें एक तरफ रखो, बस एक ये पहचान याद रखो, मैं एक अतृप्त चेतना हूं, ये मैं हूं। अब देखना है मुझे कि मुझे करना क्या। अगर मैं एक अतृप्त चेतना हूं
तो मुझे वो करना है जो मुझे तृप्ति देगा, बाकी किसी बात को मुझे कोई वजन ही नहीं देना है। ये मूल मंत्र है, जो इसको याद रख लेगा उसकी ज़िंदगी द्वंद से और आंतरिक उथल पुथल से एकदम मुक्त रहेगी। जब भी निर्णय की घड़ी आए, अपने आप को याद दिला दो कि तुम हो कौन, तदनुसार निर्णय अपने आप हो जाएगा। तो सत्र में आना है और पतंग उड़ाना है। मैं कौन हूं? अतृप्त चेतना को तृप्ति कहां मिलेगी? जहां मिलेगी वहां चली जाओ। पतंग उड़ाने से मिलती है तो पतंग उड़ा लो, सत्र में आने से मिलती है तो सत्र में आ जाओ। मैं अतृप्त चेतना हूं, सत्र में आना चाहती हूं, अम्मा रोक रही है। अरे यहाँ लड़कियों को बिल्कुल इस तरह से धर्म बैराग की बातें नहीं सुननी चाहिए, खास तौर पे जवान होती लड़कियों को। उन्होंने ये सब सुन लिया तो फिर सब राज खुल जाता है और पंछी उड़ जाता है। या तो उनकी बात सुन लो या याद रख लो कि तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या। हिंदुस्तान में अभी भी दो जगह हैं जहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, लड़कियाँ स्त्रियाँ सब, एक शमशान घाट, दूसरा सत्संग। दोनों ही जगहों पर सच दिख जाता है ना, और दोनों ही जगहों पर देह की नश्वरता दिख जाती है ना। यहां गिन लो, आज तो फिर भी बहुत है, आज तो फिर भी करीब करीब एक चौथाई है, नहीं तो 50 में एक। वो जो एक भी होती है वो अपने अकेलेपन से घबरा करके इधर उधर हो जाती है। समाज नहीं चाहता है कि किसी को भी सच पता चले, और विशेषकर स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। तो स्त्री को बाजार जाना बिल्कुल मान्य है, हाँ बाजार जाओ, गहने खरीदो, चूड़ियाँ खरीदो, कपड़े खरीदो, पिक्चर देख लो, सत्संग मत चली जाना और शमशान मत चली जाना। शादियों में जाओ, मौत पर मत चली जाना। मजेदार बात है कि जो है पुरुष बैठे होते हैं वो सब प्रश्न स्त्रियों के बारे में कर रहे होते हैं अक्सर, पर जिन स्त्रियों के बारे में प्रश्न कर रहे होते हैं वो यहां कभी दिखाई नहीं देती। क्यों यतेंद्र साहब, सही बोला? अगर 10 प्रश्न करे होंगे इन्होंने तो उसमें से 8 किन्हीं स्त्रियों के बारे में है, पर जिनके बारे में वो यहां नहीं आती कभी।
जिधर देख रहा हूँ वही कहानी है। वो यहाँ आ ही जाती तो समस्या ही नहीं सुलझ जाती। तो इसी तरह तुम्हें भी किसी की समस्या बनना होगा, तो तुम पर भांति भांति के दबाव डाले जा रहे हैं कि यहां ना आओ। बात अद्भुत है कि नहीं? सवाल तीन चौथाई स्त्रियों के बारे में, और स्त्रियां यहां कहीं नजर नहीं आती। जब उनकी यहां आने की बारी होती है तो अक्सर वही लोग जो उनके बारे में सवाल पूछ रहे हैं उन्हें आने नहीं देते। तब तो ये हो जाता है कि अरे आचार्य जी को नशा चढ़ जाता है, आधी रात तक बोलते रहते हैं, कहाँ जाओगी बेकार में। ये कोई भले घर की औरतों के काम है कि आधी आधी रात बाहर बैठी हुई हैं? तब तो नहीं नहीं तुम घर में रुको, हम जाएंगे। उनको घर में छोड़ करके यहाँ आ जाते हैं और फिर यहाँ बैठ के रोते हैं कि वो घर में बहुत परेशान करते हैं। खून पी लिया है तो छोड़ के क्यों आए हो? क्यों तिवारी जी, बात जच रही कुछ? तुम कैसे नजरें झुका रहे हो? प्रश्न आज तुम्हारा भी देवियों के बारे में ही है। पर वो देवियां यहां नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि समाज ने, पुरुषों ने स्त्रियों के साथ क्या करा है, क्या करा है कि रोशनी से, सच्चाई से उनको वंचित रखा है। और जितना तुम उन्हें रोशनी से और सच्चाई से वंचित रखोगे उतना ही वो सबके लिए, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी समस्या का कारण बनेगी। क्योंकि जिसको तुम अंधेरे में रखोगे वो रोशनी को बहुत पसंद तो नहीं करेगा ना। कितनी ही बार ये मन में आ चुका है कि महीने में जो ये एक दिल्ली वाला शिविर होता है जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित होता है, इसको ऋषिकेश इत्यादि में स्थानांतरित कर देते हैं। ये बात कम से कम 5-7 बार छिड़ चुकी है, पर फिर कई वजहों से उसको कार्यान्वित नहीं करते। कहते हैं नहीं, महीने का एक छोटा शिविर
ग्रेटर नोएडा में भी होता रहे। उसमें कई वजह हैं, एक वजह ये भी है, बहुत सारी महिलाएं इस क्षेत्र में जो कहती हैं कि अगर बाहर कहीं शिविर हुआ तब तो हमें बिल्कुल ही आने की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर भी अगर शिविर हुआ तो हमारे घर वाले हमें आने नहीं देंगे। और ये लड़कियां नहीं, 50-50, 70-70 साल की औरतें भी यही कह रही होती हैं कि दिल्ली से आप 100 किलोमीटर दूर भी चले गए, 2 घंटे की दूरी पर भी चले गए, हमें उतना भी आने को नहीं मिलेगा। हर महीने जब शिविर आयोजित होने का समय आता है, कुछ फोन कॉल्स आती हैं, सत्र दिन में नहीं हो सकते क्या? मैं चाहती हूं पति के घर लौटने से पहले वापस पहुंच जाऊं। और एक दिन आऊंगी शनिवार को, संडे को वो घर पे होते हैं। हंसो नहीं, ये भयानक बात है। उस बेचारी को अभी भी ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मेरे घर वाले मुझे रोकते हैं तो क्या वास्तव में बहुत बुरा करते हैं? वो बहुत बुरा नहीं करते, वो अपराध करते हैं। अगर उन्हें वाकई चिंता है तुम्हारी शारीरिक सुरक्षा की तो ये करना चाहिए कि बेटी तुम जा रही हो, हम भी साथ में चले चलेंगे। रात में देर से लौटोगी, लौटने में दिक्कत हो सकती है, तो हम साथ रहेंगे, हम तुमको लेवा लाएंगे। वो कोई बात हुई, ये बात थोड़ी ही हुई कि जाने पर ही पाबंदी लगा दी। अगर वाकई बेटी से प्यार है तो उसके आने जाने पे पाबंदी लगाओगे या ये कहोगे कि अगर सुरक्षा की समस्या है तो हम साथ चले चलते हैं, पर उसके आवागमन पर ही पाबंदी लगा दो, उसका ऐसी जगह जाना प्रतिबंधित कर दो जहाँ जाना उसके लिए उपयोगी है, आवश्यक है। तो तुम्हारे मन में बेटी के प्रति कुछ प्रेम है भी या नहीं है? और दूसरों के मन में तुम्हारे लिए प्रेम हो ना हो, तुम इस बात की मोहताज बनकर नहीं रह सकती। तुम अपनी पहचान याद रखो और तुम अपना कर्तव्य याद रखो। जो अभी उसको बताया ना कि तुम ये हो और ये तुम्हारी पहचान है, वही हम सब की पहचान है। लिंग अलग अलग होगा, उम्र अलग होगी, पृष्ठभूमि अलग होगी, मूलतः तो सब एक ही हैं। अगर पता चल गया कि मैं प्यासा हूं तो सम्यक कर्म क्या होना चाहिए? प्यास।
सामने जो भी विकल्प हैं उनमें देख लो कि तृप्ति कहाँ है और भोग कहाँ है, उत्तेजना कहाँ है, आमोद प्रमोद कहाँ है, विलास कहाँ है, वासना कहाँ है और तृप्ति कहाँ है।